सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ दो तरह के सियासतदान हैं, एक वो जो बूट पहनते हैं और दूसरे वो जिनको बूट पहनते हैं। शहबाज शरीफ ऐसा सियासतदान है कि पानी देखकर ही उसका बूट पहनकर खड़े होकर तस्वीर बनाने को दिल करने लगता है। वो तो स्विमिंग पूल में पानी देख ले तो कहता लाओ मेरे बूट। खैर, अब वो बूट के बगैर भी खड़ा हो तो लगता है कि बूट के साथ खड़ा है। उस्मान बुज़दार को पहले कहा गया तुम वसीम अकरम प्लस हो, तो उसने सबसे पहले पूछा ये वसीम अकरम कौन है। फिर बाद में पूछा कि ये प्लस क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ ज़ीरा प्लस का पता है। वैसे अगर वसीम अकरम प्लस ऐसा है तो इससे अंदाज़ा लगा लें सादा वसीम अकरम कैसा होगा। वो तो बाल कराने जाता भूल जाता होगा कि मैच हो रहा है या जुआ। बाद में उस्मान बुज़दार को पता चला कि मैं तो पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ। ये पता चलते ही उसने पानी में खड़े होकर तस्वीर बनाने के लिए बूट खरीद ली। इमरान खान ने कई वज़ीर मशीर तर्जमान रखे हैं जो उसकी तारीफ़ें करते हैं। शाह महमूद ने अपनी तारीफ़ें करने के लिए ख़ुद को रखा हुआ है। उस्मान बुज़दार ने क्या क्या किया ये भी इमरान खान बताता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि उस्मान बुज़दार कुछ करता भी है। इमरान खान के सूटों में जेबें नहीं होती, ज़रूरत भी नहीं। इमरान खान ने कौन सा कभी अपनी जेब में हाथ डालना होता है। उस्मान बुज़दार चूँकि शहबाज शरीफ लगा हुआ है इसलिए उसके कपड़े भी शहबाज शरीफ की तरह बड़ी बड़ी जेबों वाले हैं। शुक्र है वो परवेज़ खट्टक या आसफ़ ज़रदारी नहीं लगा, वरना कुर्ते में जेबें ना होती, जेबों में कुर्ता होता। पहली बार जब हमने उस्मान बुज़दार को देखा उसने काली ऐनक लगाई हुई थी, चंद लोग उसे पकड़कर एक तकरीब में ला रहे थे। लगा ये मज़ूर कोटे पर वज़ीर आला बना है। एक खातून ने कहा मुझे यकीन है ये कुरानदाज़ी में निकला। ऐसी चीज़ें कुरानदाज़ी में ही निकलती हैं। इमरान खान ने बताया उस्मान बुज़दार को इसलिए वज़ीर आला बनाया है कि उसका ताल्लुक पसमानदा तबके से है, उसके अपने घर बिजली पानी नहीं। उसके बाद से पंजाब का हर MP ये परेशान है कि हम ऐसे ही अपने हलके को डेवलप करते रहे, हमें क्या पता था मेरठ पसमानदगी है। इसीलिए आजकल उनकी कारकर्दगी देखकर लगता है कि उनकी कोशिश है अपने हलके को ज़्यादा से ज़्यादा पसमानदा बनाएं ताकि अगली बार वो पंजाब के वज़ीर आला हों। इमरान खान के बारे में किसी ने कहा था उसका अपना कोई बिजनेस नहीं और वो सबको ऐसा ही बनाना चाहता है। इस हिसाब से उस्मान बुज़दार से डर लग रहा है कि उसके घर में पानी बिजली नहीं था, कहीं 5 साल बाद वो पूरे पंजाब को अपना घर ही ना बना दे। उस्मान बुज़दार अब शहबाज शरीफ लगा है तो फिर असल काम तो उसका भी शोबाजियाँ ही होगा। एक दफ़ा मियो अस्पताल छापे के लिए गया, वहाँ जाकर अपने डायलॉग भूल गया। अपने मशीरों से पूछा किस लिए आया हैं, उन्होंने कहा मुआयने के लिए, तो उस्मान बुज़दार डॉक्टर से अपना मुआयना कराने लगा। बाद में बताया गया कि आपने मुआयना करना है, हैरान होकर कहने लगा मुझे पता ही नहीं था कि इमरान खान ने मुझे डॉक्टर भी लगवाया हुआ है। उस्मान बुज़दार को पहली बार जब पता चला कोरोना पाकिस्तान पहुँच गया है तो मशीरों से पूछने लगा मुझे उससे किस वक्त मिलना है और उससे क्या क्या बात करनी है। बताया गया कि कोरोना वायरस है, उसकी वजह से जानलेवा बीमारी होती है, तो पूछा अच्छा तो ये कोरोना काटता कैसे। ये शहबाज शरीफ लगा है तो जाहिर है हर चीज़ का जायज़ा जहाज़ से लेगा। कोरोना का जायज़ा लेने जहाज़ पर रवाना हुआ, अनारकली में एक जगह पर उसे कोरोना नज़र आया, बाद में लोगों ने बताया वो कोरोना नहीं कचरा था। जब कोरोना के लिए फ़ोन पर लॉकडाउन का कहा गया तो उसने फ़ौरन लॉक मंगवा लिए और स्टाफ से पूछने लगा
कि लॉकडाउन के लिए ये लाख कितना डाउन लगाना होगा। आसमान बुज़दार प्रोटोकॉल भी नहीं लेता, जो 10-15 गाड़ियाँ उसके आगे पीछे होती हैं वो उसका प्रोटोकॉल नहीं है, वो तो इसलिए हैं कि कोई साफ़ी उस तक ना पहुँच सके। इतना कम बोलता है कि तस्वीरों में भी उसका मुंह बंद होता है, खुले मुंह की कोई तस्वीर नहीं बनवाता कि कहीं तस्वीर बोल ही ना पड़े। हमारे एक वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो गुजरे हैं, उनको वज़ीर आज़म बनने के 2-3 साल बाद पता चला कि मैं तो वज़ीर आज़म हूँ। जो भी उन्हें इस राज का पता चला उनकी छुट्टी करा दी गई। उस्मान बुज़दार को भी बताया नहीं गया कि तुम वज़ीर आला हो, जिस दिन उसे पता चला कि मैं तो वज़ीर आला हूँ उसकी भी छुट्टी हो जानी है। उस्मान बुज़दार कम से कम लोगों को मिलता है ताकि कम से कम लोगों को उसका पता चले। ऊपर से जो आर्डर आए उस पर अमल करने में जुट जाता है। आर्डर आया कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकालनी है, प्रैक्टिस कर लो। सारी रात गुब्बारे मंगवा कर हवा निकालने की प्रैक्टिस करता रहा। तो शाह महमूद कुरैशी की ईगो इतनी बुलंद है कि उस पर चढ़कर वो अपने आईक्यू पर छलांग लगाए तो सारी हड्डियाँ तोड़वा ले। उस्मान बुज़दार का ऐसा कोई मसला नहीं है, ईगो का उसे इलम ही नहीं। अलबत्ता आईक्यू का पूछो तो कहता है मुझे क्या पता, मैं तो कभी आईक्यू खान से मिला ही नहीं। सियासत में रोल बदलते हैं, कभी आप कबूतर होते हैं और दूसरा मुजस्मा, और कभी दूसरा कबूतर होता है और आप मुजस्मा। सिर्फ शहबाज शरीफ ऐसा लीडर है जो आजकल खुद ही मुजस्मा है और खुद ही कबूतर है। शहबाज शरीफ की सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसी है कि उसे इतवार को हंसाना हो तो उसे जुमे को लतीफा सुनाए, और अगर उसी दिन हंसाना है तो फिर नवाज शरीफ को लतीफा सुनाए। कहते हैं शहबाज शरीफ सेहरा और बूट हमेशा साथ रखता है, क्या पता कहाँ पानी और कहाँ पानी पानी होने का मौका आ जाए। ख़वातीन को इमरान और शहबाज शरीफ ने हसबे तौफीक अव्वल मकाम दिलवाया। एक दौर था मौलाना फजल रहमान एक पटका कांधे पर और एक सर पर रखते, तब्दीली चाहते तो सर के पटके को कांधे पर और कांधे वाले को सर पर बांध देते। अब वो एक पटके पर आ गए हैं, पटका शहबाज शरीफ के पास भी एक ही है, पर सिर्फ ये इसे ही पता होता है कि इस वक्त वो पटका कांधे पर है या सर पर। नैब ने शहबाज शरीफ को बुलाया तो चाइना के शहबाज शरीफ को बुलाना भी बनता था। नैब ने उस्मान बुज़दार को बुलाकर पूछा आप ही उस्मान बुज़दार हैं, तो उसने कहा मशीरों से पूछ कर बताऊँगा। ऐसे ही एक बंदे से पूछा गया आपके कितने भाई हैं, वो बोला अब्बा से पूछ कर बताऊँगा। नैब ने पूछा पंजाब की वजारत आला आप चलाते हैं, कहा मुझे याद नहीं आ रहा कौन चलाता है। पूछा आप करते क्या हो, तो उस्मान बुज़दार ने कहा कुछ नहीं करता। तब नैब को कन्फर्म हुआ कि यही उस्मान बुज़दार है। उस्मान बुज़दार क्या काम करेगा हमें नहीं पता, खुद उसे भी नहीं पता होगा, लेकिन ये पता है कि वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देगा। भला क्यों? क्योंकि उसे इस्तीफ़ा लिखना आता ही नहीं।